एक मैंने स्क्रीनशॉट मारा, मोबाइल में फोटो ले लेना। आवाज म्यूट है। वॉल्यूम हाई रखते हैं और मैं एकदम स्पोर्ट में ब्राइटनेस उधर रहा मोबाइल में, ब्राइटनेस कर दिया। जय जिनेंद्र फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल? हेलो, मैं नीता शाह बड़ौदा से अमूल के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं अमूल की टीम का तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ कि जिन्होंने ये लाइव सेशन चालू किया और हम जैसे सभी शेफ को यहाँ पे परफॉर्म करने का मौका मिला है। शशांक सर, अभिषेक वर्गीस जी सर और दीपा मैडम का खूब खूब धन्यवाद करती हूँ कि वो हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटी बार बार दे रहे हैं। तो आज फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया और इंस्टेंट यम्मी रेसिपी लेके आई हूँ, हेल्दी मखना चाट। एम आई ऑडिबल? हम आज जो रेसिपी बनाएंगे वो बहुत ही इजी, इंस्टेंट और यम्मी है, साथ में हेल्दी भी है। हम एक बहुत ही बढ़िया वर्जन है मखना का, जो हम चाट फॉर्म में आपके सामने लेके आए हैं। तो ये सारे मैंने इंग्रेडिएंट्स की तैयारी करके रखी है। और हम जो नॉर्मल चाट जैसे बनता है, तो आपने दही भल्ला चाट खाया होगा, पापड़ी चाट खाया होगा, दही सेव पूरी वगैरह खाया होगा, लेकिन आपने शायद कभी मखना चाट टेस्ट नहीं किया होगा। तो मुझे एक हेल्दी कॉन्सेप्ट लाना था और मुझे ये जो मैं अभी बना रही हूँ वो मैं यहाँ पे प्योर होममेड जैन बनाऊंगी। अगर आप वेज खाना पसंद करते हो तो आप उसके हिसाब से अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। हमने यहाँ पे अमूल का घी लिया है, मखना लिया है, अमूल दही, जो चाट हम बनाते हैं उसमें दही का भी यूज़ होगा तो उसमें हमने अमूल का दही यूज़ करेंगे। साथ में हम नाचो चिप्स डालेंगे थोड़ा, और थोड़े मैंने वेजिटेबल्स को स्वीट कॉर्न को जैसे मैंने पारबॉइल करके रखा है, और कैप्सिकम और टोमेटो को मैंने चॉपिंग करके रखा है। साथ में मैंने पॉमीग्रेनेट को भी लिया है। ग्रीन चटनी बना के रखी है, कोरिएंडर और मिंट लीव्स बनाया है, और बाकी के हमारे ये जो हेल्दी है वो ड्राई फ्रूट्स रखा है मैंने, आलमंड एंड कैश्यू। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हुए आज हम एक हेल्दी मखना चाट बनाएंगे, जो मेरे फैमिली की तो फेवरेट है, लेकिन आशा रखती हूँ कि आज आप ये देखने के बाद शायद आप लोगों का भी फेवरेट बन जाएगा। तो चलिए हम ये बनाने की शुरुआत करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे जो मखना लिया है तो उसको हमें थोड़ा रोस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हम किचन में जाएंगे। बाकी सारी प्रिपरेशन हम वापस यहीं पे आके करेंगे। जैसे हमको ड्राई फ्रूट्स को सैलो फ्राई करना है, मखना को रोस्ट करना है, तो उसके लिए हम किचन में जाएंगे। मैंने गैस पे पैन रखा है और गैस ऑन कर रही हूं। हम जब भी कुकिंग करते हैं तो हमें बहुत ही प्रोसेस पूरा हाइजेनिक फॉलो करना होता है, और हम अपने घर के लिए या फैमिली के लिए या फ्रेंड्स के लिए या कस्टमर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए, किसी के भी लिए हम करते हैं, तो हमें प्रोसेस पूरा नीट और क्लीन करना चाहिए।
और आज हम आपको स्टार्टिंग से लेके एंड यानी कि हम जो प्लेट करेंगे, सर्विंग भी करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे कि इसका कैसे करना है। यहाँ पे हमने अमूल का फ्रेश घी लिया है, प्योर घी। थोड़ा सा हम रखेंगे क्योंकि हमको काजू और आलमंड को पहले सैलो फ्राई करके निकालना है। ये चाट इतना यम्मी और डिलीशियस है, आप इसको कभी भी, जब भी आपको भूख लगे, सुबह ब्रेकफास्ट में, दोपहर में, लंच के बाद अगर कुछ लाइट खाने का मन होता है शाम के टाइम में, तो आप ये बना सकते हैं। रात को डिनर में भी बना के ये खा सकते हैं। हेल्दी है और एकदम लाइट लगेगा आपको खाने में। और ये जो मैंने बनाया है आज, जो मैं आपके सामने बना रही हूँ, ये मेरा खुद का क्रिएशन है और मैं खुद इसको बहुत हेल्दी पर्पज से आपके सामने लाई हूँ। इसमें हम जो ड्राई फ्रूट्स यूज करेंगे लाइक आलमंड है और कैश्यू है, तो इसमें भी हमको अच्छे से कैल्शियम और मैग्नीशियम वगैरह मिलेगा। हमने इसके साथ में पोमीग्रेनेट लिया है तो उसमें भी आयरन अच्छा मिलेगा। और ये जो मखना है वो तो बहुत ही हेल्दी है, आपको मैं रेसिपी भी बताती जाऊंगी और साथ में मखना के जो प्रॉफिट है वो भी आपसे शेयर करूंगी। हमारा घी गर्म हो गया तो उसमें हम कैश्यू और आलमंड डाल देते हैं। पहले हम आलमंड डालते हैं, उसके बाद में हम कैश्यू डालेंगे। क्योंकि कैश्यू बहुत जल्दी सैलो फ्राई हो जाएगा, आलमंड को थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमें डीप फ्राई कुछ भी नहीं करना है, सैलो फ्राई करके हमें ये रेसिपी बनानी है। और सबसे पहले हम इसीलिए कर रहे हैं कि इसमें रोस्ट हो जाएगा, हमारा सैलो फ्राई हो जाएगा, उसके बाद में हम मखना को इसी में रोस्ट करेंगे। ये सैलो फ्राई हो रहा है तब तक हम कैश्यू को भी देख लेते हैं। कैश्यू को कभी भी हमको आखा नहीं डालना है, पूरा नहीं डालना है, उसको इस तरह से दो पार्ट करके चेक करना है, क्योंकि कैश्यू में अंदर कभी कभी जाले लग जाते हैं और इसमें जीवात भी हो जाता है। अगर आप नहीं खाना पसंद करते हो तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। और इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है फिक्स, मतलब मेजरमेंट नहीं है। आपको जो चीज़ ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डालिए, आपको कुछ कम पसंद है तो आप उसे कम भी कर सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं। हमारे जैन रेसिपी में ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम सिर्फ 4 मंथ्स ही यूज़ कर सकते हैं, दिवाली के बाद, देव दिवाली के बाद और होली तक। उसके बाद में 70-80% ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, 30-40% बंद कर देते हैं। अगर आप नहीं खाते तो आप ना डालें, लेकिन आलमंड ऐसी चीज है कि आलमंड हम 12 मंथ्स खा सकते हैं। लेकिन अभी जैसे हमारा चौमासा चल रहा है तो उसमें हमें ये आलमंड अगर नहीं खाते हैं तो आप जो छिलके वाली आती है कागदी बादाम बोलते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम रेसिपी बनाई थी अमूल में, केसर आलमंड बार केक बनाया था हमने, तो उसमें हमने छिलके वाली बादाम का यूज किया था, तो आप वो भी बादाम इसमें यूज कर सकते हैं। देखिए, एक एक काजू को इस तरह से खोल के देख के आपको बनाना है, क्योंकि अगर आपने आखा काजू डाल दिया तो कभी वो सैलो फ्राई होने के टाइम पे अंदर अगर जीवात होगा तो वो भी हो जाएगा मिक्स। तो हमें कुकिंग के साथ साथ जैना का भी बहुत पालन करना है, और हम पूरा ये जो रेसिपी हमारी जैन रेसिपी ये बना रहे हैं। अभी आप देखिए, ये तो सैलो फ्राई हो रहा है, अब इसके साथ में हम कैश्यू भी डाल देते हैं। कैसे को ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए हम इसमें एक शायद रह गया उसको भी खोल देते हैं। ये बहुत हेल्दी है, साथ में हम जो मखना चाट बना रहे हैं, तो मखना आपको पता होगा कि मखना ज्यादातर वैसे तो सब लोग खा सकते हैं, लेकिन लेडीज जो है उसके कमर का प्रॉब्लम रहता है, जिसको पेन रहता है कमर में, उसको मखना घी में रोस्ट करके देते हैं। फिर उसके साथ में जब प्रेग्नेंट वुमन होती है तो आफ्टर डिलीवरी उनको ये मखना रोस्ट किया हुआ भी देते हैं, घी में रोस्ट करके देते हैं, मसाला डाल के देते हैं। ये मखना की खीर बनाते हैं, बहुत बढ़िया यम्मी खीर बनती है मखना में से। अभी तो हम चाट बना रहे हैं, लेकिन आप कभी ट्राई कीजिएगा मखना में से रायता बनाइएगा। अमूल का अपना जो फ्रेश दही है वो ले लीजिए, और उसके साथ में ड्राई फ्रूट्स, आपको वेजिटेबल फ्रूट्स जो भी पसंद है वो डाल के आप बढ़िया सा मखना का रायता भी बना सकते हैं। और मखना ऐसी चीज है कि फुल ऑफ न्यूट्रिशन से भरपूर है, उसकी कैलोरी बहुत कम है लेकिन बहुत ही हेल्दी है। तो ये हमें डेली भी रूटीन में थोड़ा सा खाना ही चाहिए।
देखिए अभी हमारा रोस्ट होने आया है, सैलो फ्राई होने आया है कैश्यू और आलमंड। आपको अगर ज्यादा डार्क पसंद है तो आप इसे थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम चाट बनाएंगे और चाट के अंदर ये डालेंगे तो बीच में जब ये मखना है, मखना में मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो थोड़ा सॉगी रहता है, इसलिए हम उसको पूरा रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट करके पूरा हार्ड कर लेंगे उसको, ताकि हम जब उसको असेंबल करेंगे चाट फॉर्म में तो वो सॉगी ना हो जाए। और ये चीज़ ऐसे है कि आपको तुरंत बना के तुरंत ही खाना है, इसको रखना नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने एक घंटे पहले बना दिया, 1 आवर पहले, और फिर आराम से खाएंगे। अगर आप आराम से खाओगे तो एक तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू डाउन हो जाती है, और जो मखना में हम मेहनत करके उसको रोस्ट करते वो पूरा सॉगी होने लग जाता है। अभी ये जो हमारा थोड़ा सा घी है, इसी के अंदर हम मखना डाल के इसको रोस्ट करेंगे। हाँ, ये पहले हम इसमें रोस्ट करेंगे और फिर थोड़ा घी और ऐड करेंगे। आप चाहो तो मखना को माइक्रोवेव में भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन सबके पास सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है, इसीलिए मैंने ये आपको कुकिंग गैस पे ही मैं पूरा प्रोसेस बता रही हूँ। और मखना तो ऐसा है ना कि आप उस पर रोस्ट करके घी के साथ में रोस्ट कीजिए। अगर आप बटर खाना पसंद करते हो तो अमूल के बटर में भी आप रोस्ट कर सकते हो। तो ये रोस्ट करने के बाद आप तरह तरह के मसाले से इसको फ्लेवरफुल मखने भी बना सकते हो। अभी तो मखना का भी ऐसे भी बहुत ट्रेंड भी चल रहा है, लोगों को इसकी जो वैल्यू है वो अब ज़्यादा लोगों को समझ में आ रहा है। पहले ये तो बरसों से खाया जाता है, हमारे दादी परदादी के ज़माने से मखना तो यूज़ होता ही है। और हमारे राजस्थान में तो ये मखना ज़्यादातर डिलीवरी में और सब बच्चों को और सबको देते हैं, इससे मिल्क भी बहुत अच्छा आता है मम्मी को। अभी हम इसमें थोड़ा घी ऐड करेंगे। हम सिर्फ इसको रोस्ट कर रहे हैं। ये जब ऐसे प्लेन भी रोस्ट हो जाएगा ना तो आप सिर्फ इसमें सॉल्ट वगैरह डाल के प्लेन भी खाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसको चटपटा भी टेस्ट देके आप अलग अलग फ्लेवर बना सकते हो। जनरली जब आप चाट बनाते हो तो उसमें ज़्यादातर डीप फ्राई चीज़ें आती है, जैसे बारीक सेव आती है, फिर कुछ लोग होते हैं तो उसके अंदर चीज़ वगैरह सब ऐड कर देते हैं, लेकिन आज हमने पूरा हेल्दी वर्जन रखा है। एक तो हम सब कुछ सैलो फ्राई लेंगे और ज़्यादातर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स के साथ में ये मखना चाट बनाएंगे। जब मखना पूरा रोस्ट होने आ जाएगा तो उसका पूरा एक टेक्स्चर जो है पूरा चेंज हो जाएगा। थोड़ा घी डाल रहे हैं हम। ध्यान रहे जब भी आप ये मखना चाट बनाना प्रेफर करते हो तो इसको अच्छे से रोस्ट करना जरूरी है। अगर आपने इसको कम रोस्ट किया, उसके अंदर मॉइस्चर रहता है, आपने सिर्फ गर्म किया और बना दिया, तो खाते खाते आपकी चाट पूरी सॉगी लगेगी। और ये जैसे जैसे रोस्ट होगा उसकी जो साइज़ होती है मखना की वो थोड़ा सा छोटा होता जाएगा। आप देख रहे होंगे हमने जब डाला था तब थोड़ी उसकी साइज़ बड़ी भी थी, तो रोस्ट होने के बाद उसकी साइज़ में भी थोड़ा डिफरेंट होगा। हम फिर से थोड़ा घी डालेंगे तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। हम जो घी डाल रहे हैं वो तो मखना जो रोस्ट हो रहा है उसके साथ में एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन घी भी अंदर जाएगा तो घी में भी कैल्शियम की मात्रा और सब ज़्यादा रहता है, तो हमारे बॉडी को नरिश करेंगे।
जितना आपका कुकिंग टाइम कम होगा और जितने आपके वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सारा फ्रेश होगा तो उतना आपका फूड जो है वो ज़्यादा हेल्दी और डिलीशियस बनेगा। और आप जितना कुकिंग टाइम ज़्यादा लोगे फूड बनाने में तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती जाएगी और उसका टेस्ट जो है वो भी थोड़ा थोड़ा डाउन होता जाएगा। इसलिए ऑलवेज आपको रेसिपी इस तरह से घर पे बनाइए कि वो हेल्दी हो, डिलीशियस तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर डिलीशियस होगा तभी सबको पसंद आएगा। देखिए आपको आवाज़ से पता चल रहा है कि हमारा मखना रोस्ट हो रहा है। बीच में आपको गैस की फ्लेम को फास्ट करना है, स्लो करना है, इस तरह से आपको वर्क करना है, क्योंकि हमने मखना को डीप फ्राई नहीं किया है, हम सिर्फ रोस्ट कर रहे हैं, सैलो फ्राई कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि अगर आपके जो ड्राई फ्रूट्स लिया है हमने कैश्यू आलमंड, अगर उस टाइम आपने सैलो फ्राई नहीं किया तो आप रोस्ट करने के साथ में भी आप रख सकते हो। अगर आप ज़्यादा घी यूज़ करना नहीं चाहते हो तो आप ऐसे भी मखना के साथ में भी उसको रोस्ट करके यूज़ कर सकते हो। एक बार आप चेक कर लीजिए कि मखना रोस्ट हुआ है कि नहीं। तो हमें हल्का, अभी तो बहुत गर्म है, वैसे तो आवाज पर से पता चल ही रहा है कि रोस्ट हो गया है, फिर भी आपको एक बार दबा के देख लेना है। दब भी नहीं, मतलब वो रोस्ट हो गया है, देखो आवाज आ रही है। ठीक है, हम एक आध दो सेकेंड के लिए और करेंगे और फिर गैस बंद कर देंगे। हमारा रोस्ट हो गया है मखना, अब हम गैस को बंद कर रहे हैं और उसको हम ये बाउल में निकाल रहे हैं। इसी बाउल में हम फिर चाट बनाएंगे। अब अभी मैं गैस चालू रखूंगी क्योंकि हम जो चाट बना रहे हैं मैं यहाँ पे जैन वर्जन कर रही हूँ। आप चाहे जैन बनाइए, नॉन जैन बनाइए, आपकी इच्छा है, लेकिन हमारे जैन में कहते हैं कि वेजिटेबल्स को भी कभी कच्चा नहीं खाना चाहिए, तो हम उसको हल्का सा सौते कर लेंगे। तो मैं वो लेके आती हूँ। इसको भी हल्का सा घी रखेंगे और मैंने वेजिटेबल्स में स्वीट कॉर्न, टोमेटो को सीड निकाल लिया है और कैप्सिकम है उसको मैंने, स्वीट कॉर्न को तो मैंने बॉईल करके रखा है और कैप्सिकम और टोमेटो को मैंने सिर्फ चॉपिंग करके रखा है। तो यहाँ पे एक आध दो सेकेंड के लिए हम गरम कर लेंगे। वैसे आप अगर कच्चा खाते हो तो आप कच्चा भी यूज कर सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे पूरा प्रोसेस जैन बता रही हूँ इसलिए मैं अपना जैन मेथड से ही कुकिंग करती हूँ घर पे भी। अभी इसमें हम थोड़ा सा पॉमीग्रेनेट सीड भी डाल देते, वैसे तो पॉमीग्रेनेट सीड कच्चे ही खाए जाते और कुछ जैन लोग तो नहीं भी खाना पसंद करते, सिर्फ उसका जूस पीना पसंद करेंगे। अगर आप नहीं खाते तो आप इसको अवॉइड कर सकते। मैंने सिर्फ चाट को कलरफुल बनाने के लिए भी डाला और हेल्दी पर्पस के लिए कि आयन फुल दाड़म के अंदर पॉमीग्रेनेट में आयन अच्छा मिलता है, इसलिए मैंने उसके अंदर ऐड किया है। ठीक है, अब मैं ये जो मखना का बाउल है उसकी के अंदर ये सब डाल दूंगी। और हमने जो कैश्यू और आलमंड को सैलो फ्राई किया था वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। अब हम अपना ये बाउल बाहर लेके जाएंगे और वहीं पे हम इसके अंदर गार्निशिंग करते हुए फिर प्लेटिंग करेंगे।
देख सकते हैं हमारे जो मखना चाट हम बना रहे हैं बहुत ही कलरफुल और डिलीशियस दिख रहा है। टेस्ट तो आप जब घर पे बनाओगे तब आपको पता चलेगा कि वो कितना यम्मी और डिलीशियस बनेगा। अभी हमने मखना की क्वांटिटी ज्यादा डाली है, आप चाहो तो मखना क्वांटिटी कम भी कर सकते हो और आप चाहो तो सारा मेजरमेंट इक्वल भी ले सकते हो, लेकिन हमने हेल्दी मखना चाट बनाया तो मखना का प्रपोजन इसमें ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। अभी इसमें हम थोड़ा ट्विस्ट देंगे। हमने यहाँ पे ग्रीन चटनी बना के रखी है जैसे नॉर्मली सब लोग बनाते हैं, मैंने ये कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव से बनाया है और मेरी चटनी जैन है, अनियन गार्लिक बिल्कुल नहीं है। आप अगर जैसा पसंद करते आप अपना बना सकते हो। अब मैं इसके अंदर ये चटनी ऐड करूंगी, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा नाचो चिप्स ऐड करेंगे। ये हमारी नाचो कॉर्न चिप्स है, कभी अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपनी ये लाइव सेशन में नाचो चिप्स भी बनाना आपको दिखाऊंगी। तो हम इसके थोड़े से टुकड़े कर देते हैं। ये सॉल्टी फ्लेवर है, इसमें कुछ भी एडेड नहीं है। आप इसमें ट्विस्ट भी ले सकते हो, आपको अगर मसाला चिप्स पसंद है तो आप वो भी डालिए, लेकिन बने तब तक हेल्दी वर्जन यूज कीजिए, या घर का बनाइए या फिर इस तरह से आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन हेल्दी पर्पस रखिए। इसको और ज्यादा हेल्दी बनाना है तो आप बेल पेपर्स का भी यूज कर सकते हैं, बेबी कॉर्न वगैरह यूज कर सकते हैं, ब्रोकली वगैरह भी यूज कर सकते हैं। मैंने अभी इंडियन वेजिटेबल में से ये मखना चाट बना रही हूँ। अभी हम इसमें ये ग्रीन चटनी जो मैंने बनाई है इसके अंदर कॉर्न चिप्स का एक पीस गिर गया वो मैं डाल देती हूँ, तो वो हम इसमें डालेंगे, लेकिन इसमें क्वांटिटी ज्यादा नहीं डालना है, सिर्फ इसके ऊपर कोटिंग हो वैसा ध्यान रहे, क्योंकि तो जैसे चटनी का लेवल अंदर ज्यादा हो जाएगा तो मखना थोड़ा सॉगी होने लग जाएगा। ये हम इसी में डालेंगे और इसके साथ में हम इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें मिंट फ्लेवर भी आ जाएगा और कोरिएंडर का भी फ्लेवर आ जाएगा। ऐसे अगर आप दो स्पून लेके करोगे तो बहुत इजी और जल्दी हो जाएगा आपका। आपको लगे कि नहीं है थोड़ा कम है तो आप और डाल सकते हो उसमें, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। ये रेसिपी मेरे यहाँ मेरे बच्चों को, मेरे मिस्टर को, सबको बहुत पसंद है फैमिली में, इसे हम ज्यादातर बनाते रहते हैं। ये हम चटनी दही सब ऐड करेंगे, इसलिए आपको मखना को बहुत ही ज्यादा रोस्ट करना है कि वो हार्ड रहे। अब हम इसमें मसाला करेंगे, जैसे मेरे पास ये सेका हुआ जीरा है जो हम दही भल्ले वगैरह बनाते हैं तो उसमें ऊपर से हम जो क्यूमिन होता है यानी कि जीरा उसको सेक के उसका पाउडर बना के रखते हैं तो वो डालते हैं, तो मैं वो डालूंगी, चाट में बहुत अच्छा लगता है फ्लेवर। फिर ये मेरा घर का होममेड चाट मसाला है तो वो मैं डालूंगी। ये आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो क्वांटिटी, और साथ में मैं इसमें नमक डालूंगी, लेकिन नमक हमारा जैन है जो बलवन बोलते हैं, सेका हुआ नमक होता है सॉल्ट, वो ऐड करूंगी क्योंकि हमें चाट तुरंत खाना है तो हमें कच्चा नमक यूज नहीं करना है। आप अपने हिसाब से कोई भी सॉल्ट ऐड कर सकते हो, और वैसे भी चटनी के अंदर तो सॉल्ट था ही और चाट मसाले में भी सॉल्ट होता है थोड़ा। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी मखना चाट रेडी है, लेकिन अब हम इसका प्लेटिंग करेंगे। बाकी का जो थोड़ा बहुत है वो हम प्लेटिंग में यूज करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे तो पूरा मिक्स हो जाएगा। ये हमने सर्विंग बाउल लिया है, उसके अंदर हम मखना डालेंगे जो हमने ये रेडी किया है चाट फॉर्म में।
हमने जब चाट बनाया है तो इसके ऊपर हम दही का एक कोटिंग करेंगे, जो मैंने अमूल का मस्ती दही यूज़ किया है, लेकिन हमारे जैनों में दही भी कच्चा नहीं खाया जाता, तो मैंने इसको हल्का सा माइक्रोवेव में गर्म करके रखा था, तो अब वो डालेंगे हम। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं डालें, लेकिन चाट जब बना रहे तो दही, इमली की चटनी या फिर जो हम बोलते हैं कि मैंगो की चटनी, जो ड्राई मैंगो होते हैं हमारे अमचूर पड़ोस की चटनी, और ये सब चटनी डाल के ही बनाया जाता है। अब हमारे यहाँ पे इमली की चटनी थोड़ा कम पसंद करते, तो मैं जो ड्राई मैंगो रखती हूँ उसमें, यानी कि अमचूर पाउडर बोलते हैं, अम्बोडिया बोलते हैं गुजराती में, और हिंदी में अमचूर पाउडर बोलते हैं, तो मैंने उसमें से गुड़ डाल के चटनी बनाई है, थोड़ा इसको खटमीठा टेस्ट देने के लिए। और जब आप ये मखना चाट खाओगे तो आपको लगेगा कि मैं दही बल्ला चाट खा रहे। अब हम ऊपर से इसमें बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न है वो थोड़ा डालेंगे कलरफुल के लिए। अब जैसे ये दाड़म के पॉमीग्रेनेट सीड है, यानी कि दाड़म के दाना है, तो अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, अगर नहीं पसंद है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन के लिए थोड़ा ऐड कर रही हूँ। और मैंने कोरिएंडर लीव्स को गर्म पानी में धो के कटिंग करके 1 घंटे से रखा हुआ है, 1 आवर पहले किया हुआ है, तो वो हम थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे। अब हमने यहाँ पे टोमेटो का एक फ्लावर बना के रखा है, वो हम रखेंगे, क्योंकि जब हम गार्निश करेंगे प्लेट को अच्छे से तभी सामने वाले को खाने का मन होगा। सबसे पहले तो आंखों से पसंद आना चाहिए और उसके बाद उसको टेस्ट करके अच्छा लगना चाहिए। और साथ में हमने ये लेमन की स्लाइस को भी रखेंगे। और यहाँ पे हमने थोड़े नाचो चिप्स रखा है वो यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी इजी और इंस्टेंट मखना चाट, हेल्दी डिलीशियस मखना चाट बनके तैयार है। आप ये रेसिपी जरूर बनाइएगा और अपने फीडबैक यहाँ पे शेयर कीजिएगा, ताकि सब लोग देख सके। और मुझे आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरी रेसिपी इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी सब लोग देखते हैं। और जब वो लोग हमको फीडबैक भेजते हैं कि मैडम आप कुछ और अच्छा बनाए थे, और भी प्रेजेंट करते रहे, हमको घर बैठे सब देखने को मिलता है, तो मेरा भी मन होता है कि मैं अपना सेशन देऊं, और मुझे हमेशा ये सेशन के लिए सिलेक्ट किया जाता है, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। थैंक यू।